नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। दोस्तों आज मैं आपके बीच इसलिए आया हूं कि होटल और टूरिज्म के सेक्टर के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर होटल, रिजॉर्ट्स, होम स्टे काफी सारे हैं और पूरे ही समूचे हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्रेवल ट्रेड का बिजनेस होता है। लेकिन उसी के चलते बहुत सारी अनियमितताएं, बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता है। जो लोग होटल, रिजॉर्ट्स या होम स्टे चलाते हैं, उनको एफिलिएशन के लिए, परमिशन के लिए, या अपने रूम ऐड करने हैं, या उनका रिन्यूअल सर्टिफिकेट दोबारा से इश्यू होना है, इन सभी चीजों के लिए वो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के चक्कर लगाते हैं, या किसी अनभिज्ञता के कारण भी वहां तक नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण उनको लेट फीस या पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। उसी के चलते आज मैं आपके बीच आया हूं हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की वो सर्विसेज की वेबसाइट लेकर कि आप जिसको घर बैठे अपने ही मोबाइल या अपने पीसी से या लोक मित्र केंद्र या किसी भी साइबर कैफे पे जाकर आप आसानी से ऑनलाइन अपने होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे का रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल या एड रूम करना है या रूम डिलीट करने हैं या आपको ओनरशिप चेंज करनी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें आपको होटल रिजॉर्ट से रिलेटेड सारी एक ही प्लेटफॉर्म पर सही होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप सारी टूरिज्म हिमाचल से रिलेटेड प्रक्रिया। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस समय हिमाचल टूरिज्म की वेबसाइट पर। अभी हम हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप भी ध्यान से देखिए, सारी प्रक्रिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इस समय हम है eservices.himachaltourism.gov.in की वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये ई सर्विसेज यानी कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की सर्विसेज वेबसाइट है, जहां से आप अपने होटल, होम स्टे या रिजॉर्ट या कोई भी टूरिज्म यूनिट को एफिलिएशन करना हो, नई बनानी हो, आपको अपना प्रमाण पत्र दोबारा रिन्यूअल करना हो, आपके रूम्स ऐड करने हो या रूम कम करने हो या वगैरह वगैरह, बहुत सारी सर्विसेज या हिमाचल टूरिज्म की वेबसाइट पे आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की वेबसाइट पर आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है, अप्रूवल कितना हो चुका है, रिजेक्ट कितनी हुई है और पेंडिंग कितनी है। साथ ही साथ अब आपको लिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग नए हैं और आपने पहली बार हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको यहाँ साइन अप पर क्लिक करना होगा, यानी कि आपको अपना एक आईडी यहाँ पर पहले से क्रिएट करनी है। अगर आप ऑलरेडी नए पुराने यूजर हैं तो आपको लॉगिन पर जाकर यूजर लॉगिन पर क्लिक करना है। क्योंकि आप नए यूजर हैं तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक ई सर्विसेज का फॉर्म खुल के आएगा, जहां पर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। यहां पर लिखना है अपने फर्स्ट नेम, यहां पर लिखना है लास्ट नेम, यहां लिखनी है अपनी ईमेल आईडी, वो भी रजिस्टर्ड, और यहां लिखना है आपका फोन नंबर। फोन नंबर दोस्तों सही लिखिएगा क्योंकि इस पे ओटीपी से ही ये लॉगिन होता है। इसके अलावा अभी हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, हमारा यहां पर लॉगिन है, तो हम आपको अपने लॉगिन से लॉगिन करके दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यूजर लॉगिन करेंगे। ऑफिस लॉगिन जो ऑफिसर्स का होता है, यूजर लॉगिन जो क्लाइंट का होता है। तो यूजर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपना जो आपने रजिस्टर्ड मेल आईडी या फोन नंबर डाला था, दोनों में से कोई भी एक डाल देंगे। जैसे हमारा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो हम यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। नीचे आ रहा है कैप्चा, यहां कैप्चा आप टाइप करें, जैसे 21+1 22, देन उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है, उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ओटीपी डाला और अब हम लोग हिमाचल टूरिज्म की वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि हमारा लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों जानने वाली बात यह है इस पोर्टल के बारे में, पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप लोग नए यूजर हैं और अपनी कोई नई यूनिट, यानी कि आपका कोई नया होटल है और आपने होम स्टे बनाया, होटल बनाया या रिजॉर्ट बनाया, आपको डॉक्यूमेंट भी पता करने हैं उसके क्या क्या चाहिए और आपको उसमें रजिस्टर्ड भी होना है, तो आप यहां जाएंगे सबमिट ए न्यू एप्लीकेशन पर। जैसे कि आपको एक नई यूनिट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि आप एक होटल, रिजॉर्ट या होम स्टे खोल चुके हैं और आपको अब हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप यहां पर जाएंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिज्म यूनिट पर। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां लिखा आएगा होम स्टे, होटल एंड रिजॉर्ट टूरिज्म यूनिट, एडवेंचर गाइड हैं आप, फोटोग्राफर के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, टूर एजेंसी है या आपका रेस्टोरेंट है।
तो जो भी आपकी सर्विसेज हैं आप देना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ सेलेक्ट करें। जैसे हमने यहाँ होम स्टे सेलेक्ट कर दिया। होम स्टे के बाद अब यहाँ पर पूछ रहा है वो न्यू रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल, आपको करना है न्यू, तो आप न्यू पे क्लिक करें। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी ई सर्विसेज का फॉर्म देता रहेगा। जैसे अब आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिस नाम से आप, जिनकी ओनरशिप है जिस होटल की, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर रेड कलर के मार्क बन रहे हैं, यानी कि रिक्वायर्ड फील्ड आर मार्क विद, यानी कि आपको ये सही भरना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आप अपना नाम भरें जिसके नाम से एप्लीकेशन जानी चाहती है। मेल आईडी भरें, मोबाइल नंबर भरें, अपना लैंडलाइन नंबर है तो भर दीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है, फैक्स नंबर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फादर नेम भरें। फादर नेम वगैरह भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप स्टेप टू पर पहुंचेंगे। आप यहां पर अपना भरें कि एयरपोर्ट आपका कौन सा है, रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है, सिटी सेंटर कौन सा आता है, शॉपिंग सेंटर कौन सा आता है, नियरेस्ट बस स्टैंड या बस स्टॉप कौन सा आता है। ये सारी जानकारी सही से भरने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद स्टेप थ्री पे आप आएंगे और यहां पर आपसे पूछा है न्यू रूम टू, आपका हाउस है, आपने पास जो नया प्रोजेक्ट है वहां उसका आपने क्या नाम रखा है, टोटली नंबर ऑफ रूम भी आपने यहाँ पर भरने हैं। आपका लैंड का मेजरिंग कितना है, मतलब कितने बिशवा है, कितनी बीघा है। उसके बाद आपका खसरा नंबर क्या है, मोहाल क्या है, विलेज क्या है, पटवार का सर्किल क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, देन तहसील कौन सा है, नेम ऑफ एकोमोडेशन टू बी रजिस्ट्रेशन, किस नाम से आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं अपने यूनिट को। उसके बाद आप रेट क्या चाहते हैं पर रूम का। दोस्तों ये जितनी भी गाइडलाइन यहां पर दे रखी हैं आप यहां पर उसको सही से भरें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप पहुंचेंगे स्टेप फोर पर, और वहां पर जाने के, यहां पर आपको पहली फील्ड में है नंबर ऑफ रूम, आपके रूम कितने हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की होम स्टे की स्कीम है, जिसके अंदर पहले 3 रूम हुआ करते थे, अब इसको 4 रूम में बदल दिया गया है। 4 आप रूम हिमाचल प्रदेश टूरिज्म में होम स्टे में एफिलेटेड करा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास 4 से ज्यादा रूम है तो आप B&B में जा सकते हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट में। उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम ना होके सेंट्रल की स्कीम है, तो उसका रजिस्ट्रेशन की हम आपको एक जल्दी वीडियो बना के दिखाएंगे कि आप B&B के लिए भी रजिस्टर्ड कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4 ही रूम है तो आप यहाँ 4 रूम भर के होम स्टे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद अटैच टॉयलेट, कितने टॉयलेट अटैच्ड है, डिटेल ऑफ पब्लिक एरिया, आपका पब्लिक एरिया अगर जैसे आपके पास कोई सिटी सेंटर वगैरह है तो आप यहाँ भर सकते हैं। लॉबी कितनी है, लॉन्च कितनी है, डाइनिंग स्पेस कितना है, पार्किंग फैसिलिटी है। उसके बाद एडिशनल कोई फैसिलिटी आपके पास जैसे वाईफाई, पार्किंग के अलावा कुछ है तो आप यहाँ भर सकते हैं। इको फ्रेंडली फैसिलिटी भर सकते हैं। इसके बाद आप डिसेबल पर्सन यानी कि जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए क्या फैसिलिटी है, आपके पास लिफ्ट है या नहीं है। उसके बाद फिटिंग इक्विपमेंट, फायर के आपके पास कितने हैं, सिंगल बेड कितने हैं, वो सब भर सकते हैं। टैरिफ फॉर सिंगल बेड यानी कि आपका सिंगल बेड है तो उसका आप टैरिफ कितना लेना चाहते हैं, आपके पास डबल बेडरूम है तो कितने हैं, टैरिफ फैमिली सूट का कितना लेना चाहते हैं, वो सब चीजें आप यहाँ भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करें। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप पहुंचे हैं स्टेप 5 पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी ये डॉक्यूमेंट का स्टेप है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एरिया ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस फॉर द प्रोजेक्ट, आपके जो प्रोजेक्ट बन रहा है उस हाउस का एरिया कितना है, उसके लिए आपको यहाँ पर अपने हाउस की प्रोजेक्ट जो कि एक आर्किटेक्चर बनाते हैं वो आपको यहाँ लगाना होगा रेवेन्यू पेपर के साथ। उसके बाद एक एफिडेविट आपको टूरिज्म से मिलता है, जिसका लिंक भी मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वो एफिडेविट आपको यहाँ पर कोर्ट से बनवाकर लगवाना है, नोटरी कराकर। फोटोग्राफ लगाने हैं आपने बिल्डिंग के, लेटेस्ट 2 फोटोग्राफ लगाने हैं रूम्स के, रेवेन्यू पेपर लगाने हैं जैसे जमाबंदी, ततीमा, ये सब चीजें। उसके बाद एक अंडरटेकिंग ऑनर फॉर्म आता है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, नेट से मिल जाता है, वो भी आपको अटैच करना है, अंडरटेकिंग भरनी है। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है उसके लिए आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, एप्लीकेंट जो है उसका फोटोग्राफ लगाएं, और इसके अलावा अगर कोई आपके पास अदर डॉक्यूमेंट हैं जो इसमें नहीं मांगे गए हैं वो भी आप यहां लगा के सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ फीस जमा करनी है और आपका रजिस्ट्रेशन आराम से हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की वेबसाइट पर नए रजिस्ट्रेशन के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपको समय समय पर आप अपने पोर्टल को ऑन करके व्यू ऑल पर जाकर आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को आप देख सकते हैं कि वो अंडर प्रोसेस हैं या आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है,
कोई एरर तो नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप पहले फाइल कवर करके हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के चक्कर लगाते थे, वही चीजें आपने केवल ऑनलाइन पोर्टल पर डालना है। डालने के बाद ये सारे पेपर्स गवर्नमेंट के टूरिज्म मुख्यालय पर पहुंच जाएंगे, वहां से इसकी एक फाइल बनाई जाती है, उसके अंदर चेक किया जाता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही हैं या नहीं है। अगर वहां से कोई एरर पाई जाती है तो इसी पोर्टल पर, जैसे कि यहाँ लिखा आ रहा है, हमारे ये कुछ अपने एडिटेबल पोर्टल है, हमने जो आपको करके दिखाया है उसके अंदर ही आपको यहाँ लिखा आ जाएगा कि आपको रीसबमिट करना है। वहां आप फिर दोबारा से रीसबमिट करें और आपके एक आसानी की तरीका से आपका रजिस्ट्रेशन हिमाचल टूरिज्म में आपके यूनिट का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, B&B में कैसे जाना है या और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक मकसद है कि सभी के पास हिमाचल टूरिज्म की वो चीजें चली जाएं जो लोगों को नहीं पता है, कि आपको ऑफिसों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ई सर्विसेज हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर अपने होटल, होम स्टे या रिजॉर्ट का रजिस्ट्रेशन आसानी से खुद ही अपने PC या मोबाइल से कर सकते हैं, और उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ऑफिस या टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। बने रहिए वीडियो में और वीडियो को साझा जरूर करें। देखते रहिए ऐसी घूमो जी भर के।